हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिनी मेकओवर। सो आज की वीडियो में मैंने क्रिएट किया है ये इजी सा मेकअप लुक स्पेशली फॉर टीनेज गर्ल्स और ईद के लिए। सो आप इस मेकअप लुक को ईद में अच्छे से कैरी कर सकते हो अपने सूट या अपने किसी भी आउटफिट के साथ। सो या अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो चलिए देखते हैं मैंने ये मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया है। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले मैंने अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है। देन मैं यहाँ पतंजलि का एलोवेरा जेल एज अ प्राइमर और एज अ मॉइस्चराइजर लेकर अपने फेस पर अच्छे से अप्लाई करके मसाज करूँगी। देन उसके बाद सनस्क्रीन के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ न्यूट्रोजीना की सनस्क्रीन और इसे अपने फेस और नेक पे अप्लाई करके अच्छे से मसाज कर लूँगी। सो अपनी आईब्रोज को फिलिंग करने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का द न्यूड पैलेट। उसमें से मैं ग्रे शेड लेकर एक स्पूली और एक ब्रश की हेल्प से अपने आईब्रोज को उसकी नेचुरल शेप में अच्छे से फिलिंग कर लूँगी। आप यहाँ पर पाउडर की जगह पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं या पोमेड का भी यूज़ कर सकते हैं, आप जिसमें कंफर्टेबल हो। सो इसी तरह मैं अपने आईब्रो को स्पूली की हेल्प से कोम कर लूँगी ताकि जितना भी प्रोडक्ट एक जगह इकट्ठा हुआ है वो अच्छे से स्प्रेड हो जाए। सो इसी तरह मैं अपनी दूसरी आईब्रो को भी अच्छे से फिलिंग कर लूँगी। देन उसके बाद अपने आईलिड्स को प्राइम करने के लिए मैं मेबलिन का फिट मी कंसीलर लेकर अपने आईलिड्स पे लगा लूँगी और एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। देन उसके बाद अपने आईब्रोज को शार्प दिखाने के लिए मैं उसी कंसीलर और एक ब्रश की हेल्प से अपने आईब्रो के एजेस को अच्छे से क्लीन कर लूँगी ताकि मुझे एक एजी और शार्प लुक मिल सके। मेरा कंसीलर क्रीज ना हो इसलिए मैं ADS के बनाना पाउडर से अपने आईलिड के कंसीलर को अच्छे से सेट कर लूँगी ताकि कोई भी क्रीजिंग ना हो। सो आई शेडो के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मार्स का ब्लश पैलेट और उसमें से ये पिंक शेड लेकर अपने पूरे लिड्स पर अप्लाई कर लूँगी। देन उसे अपने ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। सो बिगनर्स और टीनेज गर्ल्स के पास इतने ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहते हैं कि वो आई शेडो भी बाय करें और ब्लश भी बाय करें, तो आप अपने ब्लश पैलेट में से ही कोई पिंक या रेडिश जो भी शेड आपको पसंद है जो आपके कपड़े से मिलता हो उसे अपने पूरे लिप्स पे लगा लीजिए। आप यहाँ अपने लिपस्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं और उसे अपने पूरे लिप्स पे लगा लीजिए। देन उसे अपने हाथ से भी ब्लेंड कर सकते हैं। तो इसी तरह मैं अपने लोअर लैश लाइन पे भी उसी आई शेडो पिंक आई शेडो को लगा कर अच्छे से स्मच कर लूँगी और ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद आईलाइनर के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ स्टे तुर्की के बेड एस लाइनर इन द शेड ब्लैक और उससे मैं एक अच्छा सा विंग्ड आईलाइनर क्रिएट कर लूँगी। सो इसी तरह मैं अपनी दूसरी आईज पे भी एक विंग्ड आईलाइनर क्रिएट कर लूँगी। सॉरी गाइस, अगर आपको बैकग्राउंड पे कोई नॉइस आ रही है तो वो बारिश की है क्योंकि इस वक्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। उसके बाद अपने वाटर लाइन और अपर वाटर लाइन को टाइट लाइन करने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ प्लम का नेचर स्टूडियो काजल और उसे अच्छे से अपने लोअर लैश लाइन और अपर वाटर लाइन पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। सो मैंने पहले ही पतंजलि के एलोवेरा जेल को एज अ प्राइमर अपने फेस पे लगा लिया है। देन मैं यहाँ फाउंडेशन के लिए यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिट मी का कंसीलर इन द शेड नेचुरल। सो मेरे ये स्किन टोन से ये फाउंडेशन दो शेड लाइट है, सो फिर भी मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये लगाने के बाद थोड़ी देर बाद ऑक्सीडाइज होता है। सो मैं इसे अच्छे से अपने नेक पे और फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। देन उसे पैक के स्टिपलिंग ब्रश की हेल्प से अच्छे से डैप डैप करते हुए अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी और अपने नेक पे भी अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई भी पैचिनेस और केकीनेस ना दिखे। तो उसके बाद कंसीलर के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिट मी का कंसीलर इन द शेड मीडियम। सो उसे मैं अपने डार्क सर्कल को छुपाने के लिए और फोर हेड ब्रिज ऑफ द नोज टिप ऑफ द नोज पर लगाकर पैक के स्टिपलिंग ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। एंड देन उसके बाद अपने पूरे कंसीलर और फाउंडेशन को अच्छे से सेट करने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ADS का बनाना पाउडर। सो ये पाउडर बहुत ज़्यादा अच्छा है और मेरा न्यू बाय है। सो इसी से मैं अपने पूरे फेस को अच्छे से सेट कर लूँगी।
सो मैं यहाँ कोई भी फॉल्स आईलैशेस का यूज नहीं कर रही हूँ, सिंपली वेटल वाइल का मस्कारा लेकर अपने लैशेस को अच्छे से दो कोट कर लूंगी और उसके बाद अपने लोअर लैशेस को भी अच्छे से दो कोट कर लूंगी। तो मैंने ये लुक काफ़ी सिंपल रखा है, तो मैंने अपने फेस को कॉन्टोर नहीं किया है, बट मेरी नोज़ थोड़ी चौड़ी है सो मैंने अपने नोज़ को कॉन्टोर किया है और उसे अपने उंगलियों की हेल्प से ही ब्लेंड कर लिया है। तो ब्लश के लिए भी मैं उसी मार्स पैलेट का यूज़ कर रही हूँ जिसे मैंने अपनी आईज़ पे यूज़ किया था। सो इसमें से मैं पीची शेड लेकर अपने एप्पल ऑफ चीक्स पे लगाकर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी और उसे ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो ईद का टाइम हो और नाइट पार्टी टाइम हो तो हाइलाइटिंग ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। सो हाइलाइटर के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का द मास्टर क्रोम हाइलाइटर। सो ये मेरा करंट फेवरेट हाइलाइटर है, OMG आप इसकी ब्लिंगनेस देखो। सो इसे मैं अपने हाईएस्ट पॉइंट पर लगाकर अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। देन लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ स्टी किर्की की लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड यू आर माई गर्ल कलर। सो ये मेरा फेवरेट शेड है, सो इसे मैं अपने लिप्स पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। सो मैं अपने इनर कॉर्नर और ब्राउ बोन को हाईलाइट करना भूल गई थी, सो मैं यहाँ पे वही मेवलिन क्रोम का हाईलाइटर लेकर अपने इनर कॉर्नर और ब्राउ बोन को हाईलाइट कर लूँगी। सो या गाइस, ये है मेरा फाइनल लुक।